हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस बिशप अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराजगंज। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 3 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट, इन द लास्ट वीडियो वी आर डिस्कस हाउ टू द फॉर्म इमेज बाय द कॉनकेव मिरर एंड इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस हाउ टू द फॉर्म इमेज बाय द कॉन्वेक्स मिरर। इसमें होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में दो ही कंडीशंस होते हैं, इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें पहला कंडीशन होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा। तो अब मान लो कि यह इनसाइड पॉलिश हो गया, क्यों इनसाइड पॉलिश हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया तो हम जब इनफाइनाइट होगा तो इमेज तो नहीं शो करेंगे, बट दे रे आर कमिंग फ्रॉम द इनफाइनाइट। तो चूंकि यह हमारा मिरर क्या है, यह डाइवर्जिंग मिरर है, ये रेज को क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, रेज को रिफ्लेक्ट करेगा। तो दैट मीन्स इट कम बैक, इसको हम क्या लाते हैं, कैम बैक लाते हैं। तो इट बी मीट एट द, तो ये कहाँ पर बना दिया, पोल हो गया, फोकस हो गया, मान लो इसका एक पॉइंट सी होगी। तो इसमें हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट इमेज इज फॉर्म एट द फोकस, फोकस पे बनेगा, कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। तो इसमें हो गया पहला कंडीशन कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखते हैं तो उसका इमेज फोकस पे बनता है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। ओके, अब ये जो हमारा कंडीशंस है तो ये तो हमारा हो गया मेन ऑब्जेक्ट द इनफाइनाइट। अब इसमें ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे पोल है और यहाँ पे पोल से इसका फोकस जो है हम राइट साइड में ले रहे हैं, इसलिए इसमें इसका फोकस जो होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी इन कॉनकेव मिरर फोकस भी पॉजिटिव। हम कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करते हैं तो पोल जो है हमारा वह क्या है, ओरिजिन हो गया, तो ओरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव और ओरिजिन से लेफ्ट साइड निगेटिव हो गया। तो ये पहला इसमें कॉन्सेप्ट था। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट रहा है कि ऑब्जेक्ट बी प्लेस एट एनी प्लेस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज द प्लेस बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। यानी अब ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट और पोल के बीच अगर कहीं भी रखें, तो मान लो ये हमारा मिरर हो गया, इसमें इनसाइड पॉलिश हो गया और ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया। अब मान लो हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और पोल के बीच कहीं भी रख देते हैं, तो पहला कॉन्सेप्ट होगा रेज आर ड्रा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि यह हमारा रेज क्या है, डाइवर्जिंग है। तो जब डाइवर्ज करेंगे तो इसको हम ड्रॉबैक ले जाएंगे फोकस पे, दूसरा रेज चूंकि फोकस हो गया तो यहाँ पे इसका सी होगा, तो दूसरा रेज दे आर अक्रॉस टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो दूसरा रेज हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब इसको हम चाहें तो डॉट डॉट दिखा सकते हैं। देखो तो अब यहाँ पे इसका क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया, तो यहाँ पे जब एफ हो गया तो व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, यानी पोल और इनफाइनाइट बीच हम कहीं भी रखेंगे
तो इसका इमेज क्या होगा, इमेज भी फॉर्म बिटवीन द पोल एंड फोकस, तो इसमें इमेज जो है पोल और फोकस के बीच बनेगा। देन इमेज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच बनेगा, कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट एंड लेस देन ऑब्जेक्ट, एंड लेस देन ऑब्जेक्ट बनेगा। तो छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उससे छोटा बनेगा। तो अगर हम इनफाइनाइट और पोल के बीच में अगर कहीं भी रखते हैं तो इसका इमेज फिक्स है कि पोल और फोकस के बीच ही बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड लेस देन ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन मैग्नीफाइड बनेगा, यानी इसमें हाइट सर्टेन होगी। ओके, तो ए हो गया हमारा, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, लेस देन ऑब्जेक्ट हो गया। तो आफ्टर दिस वी आर डिस्कस द यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब हम बात करते हैं कि स्फेरिकल जो मिरर होते हैं वहाँ पे कौन कौन से, कहाँ पे हम कॉन्वेक्स का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, और कहाँ पे हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो यह कॉन्सेप्ट आपके उस पे लिखा हुआ है, यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो अगर हम पहले बात करते हैं तो पहला हम लेते हैं इसका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हम कहां कहां यूज करते हैं, तो कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्च, जो हम लोग घरों में टॉर्च यूज करते हैं तो उसका जो जो जहाँ पे बल्ब लगाते हैं उसका जो कोन बनता है वह कॉनकेव मिरर होता है। सर्च लाइट, जैसे जो विंटर सीजन में जो कोहरे को काटता है सर्च लाइट। हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स टू द गेट, पैरेलल बीम ऑफ द लाइट, तो कॉमनली दे आर द यूजिंग द टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स, हेडलाइट फिगर में जैसा दिख रहा है। दूसरा, दे आर यूज एज अ सेविंग मिरर, इसका हम लोग सेविंग मिरर में, सेविंग मतलब फेस सेविंग मतलब नहीं होता है, यूज एज अ सेविंग मिरर टू द सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस, क्योंकि उसमें जो इमेज बनता है वो लार्ज बनता है। दे आर यूज बाय द डेंटिस्ट, आप देखते होंगे डेंटिस्ट जाते हैं तो अपने सर पर क्या होते हैं, एक मिरर का लगाए रहते हैं, क्योंकि बिटवीन फोकस और पोल वाला कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो उसका इमेज हमारा क्या बनता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड वेरी लार्ज साइज में बनता है। तो डेंटिस्ट दे आर द यूज ऑफ द कॉनकेव मिरर इन द ऑपरेटिंग ऑफ टीथ। तो ये हो गया कि कॉनकेव मिरर आर यूज इन द टॉर्च, सर्च लाइट, हेड लाइट ऑफ द व्हीकल्स टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसके लिए यूज करते हैं। दे आर यूज एज द सेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस, हम सेविंग मिरर में यूज करते हैं तो उसमें हमको अपना बड़ा चेहरा दिखता है। डेंटिस्ट दे आर ऑल्सो यूज बाई इमेजिंग ऑफ द टीथ, जब वो टीथ को ऑब्जर्विंग करते हैं तो वहाँ पे अपने हेड पर जो मिरर लगाते हैं वो क्या होता है, वो कभी कॉनकेव मिरर होता है। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू द कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू द प्रोटेक्ट हीट इन द सोलर फर्नेस। तो अब ये कह रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन सनलाइट में जैसे सोलर पैनल्स होते हैं वहाँ पर भी हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेज आते हैं वो सारे रेज क्या होते हैं, एज ए फोकस पे कॉन्स्टेंट होते हैं, तो जितना मिरर पर रेज आता है सबको एक पॉइंट मिलाता है, इसलिए वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज इन द कॉन्सेंट्रेशन सनलाइट टू द प्रोड्यूस हीट इन द सोलर फर्नेस। तो हम कर सकते हैं कि जो सोलर पैनल होता है तो उस पर भी एक प्लेन होता है और एक मिरर बेस होता है, तो मिरर से जो हीटिंग इफेक्ट होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो दे आर द मेनी यूजेज आर डिस्कस ऑफ द कॉनकेव मिरर, डेंटिस्ट यूज, हेडलाइट्स, टॉर्च एंड इन सोलर पैनल्स। ओके,
अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट रहा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम कहाँ करते हैं? तो कॉन्वेक्स मिरर दे आर द ऑल्सो यूज इन द साइड व्यू मिरर, इसको हम लोग साइड व्यू मिरर भी कहते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज द रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, जो साइड शीशा होता है हम लोगों का। कॉन्वेक्स मिरर गिव द इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दे ऑल्सो हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ द व्यू दैन प्लेन मिरर। तो इसको हम लोग पहले हम लोग इसको शॉप में भी यूज कर सकते थे प्रोटेक्शन मिरर के फॉर्म में। तो नॉर्मली द ए ब्रॉड यूज ऑफ द कॉन्केव मिरर एंड मिनिमम यूज ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स में हमारा बस एक एग्जाम्पल आ रहा है एज ए साइड व्यू मिरर, जो गाड़ियों में हम लोग के साइड शीशे होते हैं वह कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो दे आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द मिरर्स एंड देयर यूजेज। कॉन्केव मिरर दे आर यूज बाई द डेंटिस्ट, यूज इन द हेडलाइट, इन द टॉर्च एंड इन द सोलर पैनल। कौन सा मिरर? कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर दे आर द यूज इन द साइड व्यू मिरर एंड रियर व्यू मिरर इसको कहते हैं। तो दे आर द यूज इन द साइड मिरर, इसको हम लोग साइड मिरर के फॉर्म में यूज करते हैं। अब इसमें आता है कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कि स्फेरिकल मिरर में हम लोग साइन अप कैसे करते हैं, कैसे हम जानेंगे किसका फोकस प्लस में है किसका फोकस माइनस में है? तो हम कॉनकेव पर ही इसका हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉनकेव पर ही डिस्कस कर रहे हैं इसका। तो कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो मान लो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया। तो पहले यहाँ पे देखते हैं कि ऑल द डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड मेजर्ड फ्रॉम पोल, कि हम सारे दूरी को कहाँ से पोल से मेजर करते हैं, तो हमारा हो गया ओरिजिन अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट। ये ओरिजिन हो गया, तो ओरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव और ओरिजिन से लेफ्ट साइड क्या हो गया? निगेटिव साइन अप हो गया। यानी जो ओरिजिन यानी जो पोल से दाईं तरफ होगा, अब चाहे वह यू हो, भी हो या एफ हो, वो क्या होंगे? वो पॉजिटिव होंगे। जो पोल से लेफ्ट में होंगे वो क्या होंगे? निगेटिव होंगे। अब इसमें आता है कि यह जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस पर जो अपवर्ड होगा उसकी हाइट हम प्लस में लेंगे, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड होगा इसका हाइट हम किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। तो दे आर द डिस्कस द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर एंड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द पोल। ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द पोल आर टेक एज पॉजिटिव। ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द पोल टेक एज द निगेटिव। द हाइट मेजर डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन निगेटिव एंड हाइट बी मेजर अपवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस बी टेकन पॉजिटिव। तो ये हमारा इसका साइन का कैरिकुलम हो गया। अब इस बेस पर हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू। तो पोल से जो राइट में दिखेगा वह पॉजिटिव, पोल से जो लेफ्ट में दिखेगा वह निगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऊपर की तरफ हाइट होगा वह पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से जो नीचे की तरफ हाइट होगा वो निगेटिव होगा। और यह मेजरमेंट हम लोगों का मिरर में भी है, और यही साइन अप हम लोग कार्टेशियन साइन जो है लेंस में भी यूज करते हैं। ओके, आफ्टर दिस थैंक यू स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वी आर डिस्कस द फोकल लेंथ फार्मूला ऑफ द मिरर्स इन द नेक्स्ट वीडियो एंड मैग्निफिकेशन आल्सो। थैंक यू।